हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू जॉन्टी गेमिंग। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक स्क्वाड को कैसे मार सकते हो अपनी स्क्वाड से। और ये वीडियो मैंने अपने दोस्तों के साथ बनाई है कस्टम रूम के अंदर। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है स्ट्रेटेजी बताने में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना गाइस। गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में अब मैं आपको गिव अवे के बारे में बताने वाला हूँ। गाइस, मैंने भूया ऐप को ज्वाइन कर लिया है, और भूया ऐप पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो डेली गिव अवे करते हैं। गाइस, अब मैं अपना बताता हूँ। गाइस, आपको क्या करना है, भूया ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और वहाँ पर जाकर सर्च में मेरी आईडी डालनी है। मेरी आईडी डालोगे तो जॉन्टी गेमिंग खुल जाएगा, और उसको आपको फॉलो करना है। मैं डेली लाइव आता हूँ सुबह 9 बजे एंड शाम को 6 बजे। तो गाइस, वहाँ पर मैं डेली 2 आलोक का गिव अवे करता हूँ, और 500 डायमंड्स का गिव अवे होता है। और अच्छी बात यह है गाइस कि हमें यहाँ पर क्रेट्स दी जाती हैं, जो मैं आपको सेंड कर सकता हूँ, जो सीधा डायरेक्टली आपके अकाउंट में चली जाती है। आपके गेम आईडी में जाके आप चेक करना, आपको वहाँ पर जो स्किन्स होती हैं गन्स की वो मिल जाएंगी, वाउचर्स मिलते हैं, और कई बार डायमंड भी मिलते हैं। तो इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। चलो अब हम बात करते हैं वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक ज़रूर कर दो, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना जो लाल कलर का दिख रहा है, और बेल को आपको ऑल पे करना है। तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखोगे तो गाइस, हमारी वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपके पास डेली आएगी। चलो तो अब मैं बात करता हूँ वीडियो के बारे में, और हम बात करेंगे सबसे पहले कि आप एनिमी को कैसे मार सकते हो अगर एनिमी घर के अंदर है तो। गाइस, जब भी एनिमी घर के अंदर कैंप कर रहा होगा तो आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, 3 स्टेप है। सबसे पहला, एक अपने ही फ्रेंड को अपने पास रखना है। सेकंड, आपके जो 2 फ्रेंड्स हैं उनको रश करना है उस घर की तरफ ग्लू वॉल लगा के, और उनके हाथ में ग्रेनेड होने चाहिए ताकि वो उस घर के नीचे जाके खड़े हो जाए। तो स्टेप नंबर 1, आपका फ्रेंड आपके साथ होना चाहिए। स्टेप नंबर 2 कि आपके जो 2 फ्रेंड्स हैं वो वहाँ पर उस घर के नीचे होने चाहिए। अब आपका काम चालू होता है। गाइस, जैसे ही आप उस घर के अंदर एक एनिमी को नॉक करते हो, आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि ब्रो, एक बंदा नॉक हो चुका है, जल्दी से ग्रेनेड फेंक। वो ग्रेनेड फेंकेगा और वहाँ पर उस टीम का वो एनिमी ख़त्म हो जाएगा। और एक बार गाइस, अगर एनिमी टीम के 2 बंदे ख़त्म हो गए तो उसके बाद आपको जल्दी से रश करना है और एनिमी स्क्वाड को ख़त्म करना है। अब जैसे अगेन मैंने यहाँ पर एक हेड मारा है, मैंने अपने फ्रेंड को फिर बोला ब्रो, अगर तेरे पास नेट है तो जल्दी से नेट फेंक। उसने देखा वहाँ पर 2 नेट फेंके हैं, उस नेट से उसने बोला कि भाई एक और नॉक हो गया है, वो उसको बचा रहा होगा शायद, तो उस वहाँ पर भी वो नॉक हुआ। अब जैसे ही वो वहाँ पे नॉक हुआ, मैंने यहाँ पर रश कर दिया अपनी स्क्वाड के साथ। अब मेरी पूरी टीम ने रश कर दिया। अब लास्ट बंदा देखो यहाँ से जंप करके भाग रहा है, अब हम उसको ईजिली मार सकते हैं, और पूरी स्क्वाड को हमने वाइप आउट कर दिया है। ऐसा नहीं है ये इसी घर में होता है, ये सारे घर में होता है। मैं दोबारा दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखो, इस ब्लैक वाले घर के अंदर वहाँ पे बंदा है, और देखो उसने मुझे नॉक किया है, तो मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड है, तो इसका मतलब कि अगर मैं नॉक भी हो जाता हूँ तो मैं बच जाऊँगा। तो स्टेप नंबर 1 गाइज कि आपका फ्रेंड आपके साथ होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, आपके टीममेट के 2 बंदे उस घर के नीचे होने चाहिए विद ग्रेनेड के साथ। जिनके पास ग्रेनेड होंगे वो उस घर के नीचे होंगे। तो स्टेप नंबर 3, आप एक एनिमी को जैसे ही हेडशॉट मारोगे उस घर के अंदर, आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि भाई जल्दी से नेडिंग कर दे ताकि जो नॉक्ड है उसको बचा ना पाए, और अगर उसको कोई बचाने आएगा तो वो भी नॉक हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पर येलो घर के अंदर एक बंदे को नॉक किया है, अब मैंने बोला है गाइस जल्दी से नेड कर, उन्होंने 3 नेड किया। कई बार क्या होता है गाइस, नेड से ही पूरी स्क्वाड मर जाएगी ऊपर, क्योंकि वो अगर अपने उस टीममेट को बचाने आएगी तो शायद वो भी उससे मर जाए। तो देखो यहाँ पर नेड से ही पूरी की पूरी स्क्वाड हमने मार दी है। तो ये थी गाइस टिप नंबर 1। अब बात करते हैं जब एनिमी ओपन में होता है। गाइस, जब एनिमी ओपन में होता है ना, तो आपको अपनी एक टिप याद रखनी है।
कि आपके तीन मेंबर एक साथ होने चाहिए और आपका जो फोर्थ मेंबर है जो आपकी टीम को लीड कर रहा है, जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये अगर साइड से जाएगा तो नॉक्ड नहीं होगा, उसको क्या करना है, एनिमी से बच के घूम के साइड से जाना है ताकि अगर एनिमी उसकी टीम के ऊपर रश करेंगे तो वो पीछे से उनको मारेगा और डैमेज देगा, और जैसे ही वो एक या दो बंदों को नॉक कर देगा तो आपके सामने के जो तीन बंदे हैं जो आपके टीममेट हैं वो एकदम से रश कर देंगे उनके ऊपर। मैं आपको दिखाता हूं गाइस कैसे। अब देखो मेरी फाइट हो गई है, मेरा एक बंदा नॉक हो चुका है और मैं यहां पर एनिमी टीम से बच के उस डबल डोर के पास जा रहा हूं ताकि उनको पता ही ना लगे कि मैं यहाँ पर हूँ। गाइस यही मेन पॉइंट है ओपन में फाइट करने का। अब उनको पता ही नहीं है कि मैं यहाँ पे, वो सामने रश कर रहा है, वो ये सोच रहा है कि सामने एक नॉक है हम उन पे रश करूँ, ऐसा नहीं है। वो उन पे रश करेगा, मैं साइड से यहाँ से साइलेंसर से उनको मार रहा हूँ और जैसे ही मैं उनको साइलेंसर से मार रहा हूँ उनको पता भी नहीं लग रहा है कि इधर से भी गोली पड़ रही है। अब दो नॉक। अब गाइज मेन पॉइंट, भाई रश करो जल्दी से, जितना हो सके उतनी जल्दी रश करो, हमें ये खत्म करना है पूरी स्क्वाड को। और यहां पर गाइज एक लास्ट बंदा बचा हुआ है और ये मैंने उसको भी मार दिया। तो गाइज ये टिप में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। और गाइज दूसरी चीज, आपकी टीम में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आप में से किसी एक को कोऑर्डिनेट करवाना पड़ेगा अपनी टीम को ताकि वो लीड करके उनको बोले कि गाइज तुम ये करो ये करो, तभी आप स्क्वाड में एक स्क्वाड को मार सकते हो। अगर आपकी टीम में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आप बिल्कुल भी ये टिप या ये स्ट्रेटजी फॉलो मत करो, क्योंकि गाइज अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है स्क्वाड के अंदर। और गाइज थोड़ा सा टाइम लगता है इसको सीखने में, एक बार आप ये स्ट्रेटजी सीख गए तो कस्टम रूम के अंदर या किसी टूर्नामेंट के अंदर सारे प्रो प्लेयर्स यही टिप यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, जब ओपन में फाइट होती है तो एनिमी को पता ही नहीं लगने देते। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो लगा अच्छा तो कर दो सब्सक्राइब जैसे मैं कर रहा हूं नीचे, एंड नोटिफिकेशन बेल को कर दो ऑल पे। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।